ये जो है हम मिलन हार्दी जोलॉजी का और बीएस केमिस्ट्री 1 और बीएससी का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस सारे में अब हम क्या पढ़ेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तीन एम्ब्रियोनिक लेयर से आए होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। और एसिलोमेट कौन से होंगे, जिनमें बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनकी बायलैटरल सिमेट्री होगी। बायलैटरल सिमेट्री की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि इसमें जो सेंट्रल एक्सिस है वो जब अपर लोअर एंड से पास होगा तो वो यूं पास होगा कि उसकी बॉडी को लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो नेडेरियन से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। प्रीवियस जो है हम नेडेरियंस पढ़ चुके हैं, तो नेडेरियन की बॉडी जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स है। और उसके बाद मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक का अभी बताया कि तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स आएगा, फिर एसिलोमेट का बताया कि ये जो है सिलोम के बगैर होगा। उसके बाद जो है हम इसके फाइलम्स देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे तो इसके बहुत सारे फाइलम हैं, लेकिन या तीन जो बहुत ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं वो यहाँ मैंने लिखे हैं। उसमें से एक है गैस्ट्रोट्रिका। जो गैस्ट्रोट्रिका है ये समंदर में जो है जो सेडिमेंट्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके दरमियान पाया जाता है। और तो ये समंदर के नीचे पाए जाने वाली सेडिमेंट्स के दरमियान होगा। और जो नमर्शियाँ होंगे ये अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडीड और इलोंगेटेड मेराइन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब एक तो ये अनसेगमेंटेड होंगे, इन पे कोई सेगमेंट्स नहीं होंगे, इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी, और दूसरा ये इलोंगेटेड होंगे शेप में, और ये फ्री लिविंग होंगे। मेराइन बॉडी में किसी सब्सट्रेट से ये अटैच नहीं होंगे, ये जो है फ्रीली मूव करेंगे। उसके बाद अगर हम प्लेटी हेलमेंथीस को देखें तो प्लेटी हेलमेंथीस जो है ग्रीक जबान का वर्ड है जिसे हम अपनी ज़बान में कहेंगे कि ये फ्लैट वर्म्स होती हैं। अब ये भी ना फिर दो टाइप्स की होती हैं, एक फ्री लिविंग होते हैं और एक पैरासाइटिक होते हैं। जो पैरासाइटिक होते हैं उनमें टैप वर्म आ जाता है, फ्लूक्स आ जाता है। टैप वर्म और फ्लूक्स जिस तरह हम इंसानों में भी पाए जाते हैं ये, ठीक है, ब्लड फ्लूक होता है, और टैप वर्म इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और फ्री लिविंग जो हमारे पास लेटी हेलमेंथीज है वो टर्बुलेरियंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम सारा जो है टर्बुलेरियंस का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में जो है हम पैरासाइटिक प्लेटी हेलमेंथीज को देखेंगे जो कि फ्लूक्स और टैपवर्म है। तो टर्बुलेरियंस क्या है, पहली बात तो ये कि ये फ्री लिविंग होते हैं, किसी सबस्ट्रेट से अटैच नहीं होते। और दूसरा, इनकी 20,000 स्पीशी हैं, और अगर इनकी लेंथ देखें तो ये 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मीटर तक जो है इनकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, और इनका लार्वा जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, ठीक है, और अडल्ट बनाता है, तो उसमें जो सेक्सुअल मेच्योरिटी आने का फेनोमिना होता है उसे पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट फेनोमिना है जो कि टर्बुलेरिया में होता है और इसे बाकी प्लेटी हेलमेंथीस से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो इस सारे में सॉरी, ये डिस्टिंक्ट फिनोमिना सिर्फ टर्बुलेरियंस का नहीं है, ये टैप वर्क का भी है, फ्ल्यूक्स का भी, ये सारे प्लेटी हेलमेंथीस के, और ये प्लेटी हेलमेंथीस को बाकी से डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक्स उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टर्बुलेरिया की। तो टर्बुलेरिया की या फिर प्लेटी हेलमेंथीस की, ठीक है, या फिर बाकी जो है हमारे पास कैस्टाइडी है, ट्रीमाटोडा है, मोनोजीना है, ठीक है, इन सब की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनकी इनका एक करेक्टर तो ये है कि इनकी जो गट कैविटी होगी ना वो इनकम्प्लीट होगी, और जो कैस्टाइडी की क्लास है उसमें तो गट कैविटी होगी ही नहीं। ठीक है, और दूसरा, ये डॉट्स ऑफ वेंट्रली फ्लैटनेड होते हैं, ये मैंने ऊपर भी बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमीट है, इनकी बायलैटरल सिमेट्री है, अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं, इनके ऊपर कोई सेगमेंट नहीं होंगे। जो अब अच्छा कैस्टाइडी होगा ना वो स्ट्रॉबिलेटेड होगा। कैस्टाइडी स्ट्रॉबिलेटेड है, इसका क्या मतलब है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से जो है अपनी तादाद बढ़ाएगा फिशन करके, मतलब उसके पीसीज होंगे छोटे छोटे जिससे वो नया कैस्टाइडी बनाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक और करेक्टर मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये सिफलाइज्ड भी होती हैं, इनका जो इंटीरियर एंड होगा वो गैंगलिया बनाएगा, और इनमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होंगी। जब बहुत सारी नर्व बॉडीज इकट्ठी होती हैं तो वो गैंगलिया बना देती हैं। ठीक है, तो इनमें गैंगलिया होगा। ये सिफलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हेड बनने का मतलब। अब उस चाहे हेड में ट्रू हेड बन रहा हो या फिर गैंगलिया बन रहा हो, फॉल्स हेड, सीडो हेड, ठीक है, तो इसे जो है हम सिफलाइजेशन का फिनोमिना कहेंगे। इनमें सिफलाइजेशन होगी और इनमें गैंगलिया होगा,
ब्रेन के तौर पर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होंगी, ठीक है, और प्रोटोनेफ्रिडियाँ इनमें होंगी ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने वाले, और ऑस्मोरेगुलेटरी मतलब वाटर और साल्ट की कंसनट्रेशन को मेनटेन करने वाले, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि ये हर्माफ्रोडाइट होंगे, हर्माफ्रोडाइट मतलब ये मोनोइशियस होंगे, होमोथैलिक होंगे, मतलब इनकी दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेल्फ फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, मतलब एक ही के गेमेट्स मिलेंगे, कभी भी एक ही वर्म के गेमेट्स नहीं मिलेंगे, हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि ये मेच्योर डिफरेंट टाइम्स होते हैं, तो वो जो है इनमें वेरिएशन लाएंगी। तो उसके बाद मैंने जो है फर्दर क्लासेस प्लेटिहल मेंथीज की लिखी हैं, ठीक है, टर्बुलेरिया के अलावा भी, जिनमें क्लास मोनोजीना, ट्रीमाटोड और कैस्टाइडी शामिल है। अब ये जो मैंने मेंशन किया है कि टर्बुलेरिया फ्री लिविंग है, और जो ये बाकी तीन है मोनोजीना, ट्रीमाटोड और कैस्टाइडी, ये जो है पैरासाइटिक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, इस सारे में जो है हमने पहले देखा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक या एसिलोमेट है, फिर मैंने बताया कि ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी के तीन जो है प्लान है, ठीक है, इनकी मतलब जो बॉडी है वो तीन तरह के फाइलम्स में डिवाइड है, एक गैस्ट्रोट्रिका में, एक प्लेटिहल मेंथीस में, और एक निमर्शिया में। फिर हमने प्लेटिहल मेंथीस की जो है खसूसियात स्टडी की, और अब मैं बता रही हूँ कि जो प्लेटिहल मेंथीस है जिनमें फ्लैट वर्म्स आती हैं वो फर्दर चार क्लासेस में डिवाइड है, जिसमें से एक फ्री लिविंग है जो कि टर्बुलेरिया है, और बाकी तीन जो है हमारे पास ये पैरासाइटिक है। अब हम सबसे पहले जो है क्लास टर्बुलेरिया का जो है स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पास क्लास टर्बुलेरिया है इसका क्या है कि ये फ्री लिविंग है, मतलब किसी सब्सट्रेट से अटैच नहीं होगा, फ्रीली मूव करेगा। बॉटम डिविलर्स मतलब बॉटम में पाए जाते हैं समंदर के, क्रॉल ऑन स्टोन्स एंड वेजिटेशन, अब ये पत्थरों और जो पौधे होंगे उनके ऊपर भी ये टर्बुलेरिया मूव करेंगे। और ये वाटर के अंदर टर्बुलेंस कैसे होती है कि हम कभी दरिया या समंदर का पानी देखें ना, तो वो हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है, उस मूवमेंट को हम टर्बुलेंस कहते हैं। तो इनमें टर्बुलेंस क्यों होती है, सिलिया की वजह से जो है इनमें टर्बुलेंस होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मेंशन किया इनका कि ये प्रीडेटर होते हैं, मतलब ये शिकार करते हैं और चीज़ खाते हैं, और इसके अलावा ये स्केवेंजर होते हैं। स्केवेंजर का क्या मतलब है कि ये ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये ट्रिस्टियल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जो कि मैदानी होते हैं, जो पानी ज़्यादा नहीं होता, और वहाँ पर ये रहेंगे तो ह्यूमिड मतलब नमदार जगह पर रहेंगे, ट्रिस्टियल इलाकों में भी। और इनका कलर कैसा होता है, ये ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, और ग्रे भी हो सकते हैं, ब्राइट कलर पैटर्न जो है ये लोग शो करेंगे। तो टर्बुलेरिया की खसूसियात में हमने क्या पढ़ा, एक तो फ्री लिविंग है, बॉटम डिविलर है, वेजिटेशन पे क्रॉल करेगा, वाटर में टर्बुलेंस सीरिया की वजह से शो करेगा, ब्लैक ब्राउन या ग्रे या कोई भी कलर पैटर्न ये इसी से मिलता जुलता जाहिर करेंगे। इनकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं, स्केवेंजर भी हो सकते हैं, ठीक है, और बस यही सारी इसकी खसूसियात है। उसके बाद अगर हम टर्बुलेरिया की बॉडी वॉल देखें, तो अब हमने पढ़ा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें जो अब लेयर्स होंगी वो तीन तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर्स से आई होंगी। तो बॉडी वॉल देखें तो जो एक्टोडर्मल वाले टिश्यूज़ होंगे ना, ऑब्वियसली वो एपिडर्मिस बनाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि जो एपिडर्मिस होती है वो स्किन के तौर पर बिहेव कर रही होती है, तो वो बाहर वाले इन्वायरमेंट को फेस कर रही होगी, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉन्टेंट में होगा इन्वायरमेंट के साथ। अब ना पहले एक्टोडर्म होती है, फिर मीजोडर्म होती है, और फिर इंडोडर्म होती है, ठीक है, ये तो मेन हमने देख लिया ना। अब इनके अंदर भी कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब जो एक्टोडर्म और मीजोडर्म होती है ना, उसके दरमियान एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर क्या होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे दो और लेयर्स होंगी, एक होगी सर्कुलर सेल्स की और एक होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे। फिर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और मीजोडर्म होगा ना, उसके दरमियान एक पैरेन्काइमा की लेयर आएगी, ठीक है, और फिर वो जो पैरेन्काइमा की जो इनर मोस्ट लेयर होगी ना, फिर वो हमारे पास मीजोडर्म के बाद वो एंडोडर्म होगी, जो एंडोडर्म होगी वो गैस्ट्रोडर्मिस बनाएगी, जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर को क्रिएट करेगी, कैविटी को। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इसलिए होती है, डाइजेशन से ये रिलेटेड है, जब भी गैस्ट्रो का वर्ड आए तो वो हमें पता है कि वो जाहिर कर रहा होता है डाइजेशन को, रेनल का वर्ड आए वो किडनीज को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने टर्म्स को देखना है। अब इसमें ना कुछ रॉड लाइक सेल्स होते हैं जिन्हें ना हम रेबडाइटस कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स रिलीज करेंगे अटैच करने के लिए टर्बुलेरिया को कुछ वक्त के लिए किसी जगह के साथ, ठीक है, और जब मतलब वहाँ पे वो अपने फिनोमेना कंप्लीट कर लेगा अटैच रह के, तो इसके अलावा इसके अंदर रिलीजर ग्लैंड होंगे, वो फिर
केमिकल खारिज करेंगे जो कि उस अटैचमेंट से सेपरेट कर देगा टर्बुलेरिया को और वो फ्रीली मूव करने लगेगा। अब इसकी बॉडी वॉल में हमने क्या देखा कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म एपिडर्मिस बना रही है जो कि एनवायरनमेंट फेस कर रही है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है आउटर लेयर सर्कुलर सेल्स की है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और मेसोडर्म के दरमियान पैरेंट कायम है, और फिर मेसोडर्म के बाद देखें तो हम एंडोडर्म आता है जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनाएगी। और फिर मैंने बताया कि इसके अंदर जो है रेबडाइटस रॉड लाइक सेल्स होंगे जो कि रेबडाइटस वो रॉड लाइक सेल्स हैं जो कि म्यूकस बनाएंगी और इनकी वो प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो रेबडाइटस का क्या काम है, ये रॉड लाइक सेल्स हैं जो कि म्यूकस बनाएंगे जो कि इनकी प्रोटेक्शन करेगा, रेबडाइटस प्रोटेक्शन के लिए। और एडहेसिव ग्लैंड केमिकल रिलीज करेंगे अटैचमेंट के लिए, रिलीजर ग्लैंड ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे जो उस अटैचमेंट को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये सारा हमने इसकी बॉडी वॉल का देखा। उसके बाद अगर हम इसकी लोकोमोशन का देखें तो इनकी ना बायलैटरल सिमेट्री की वजह से इनका एक्टिव लाइफस्टाइल है। अब ना ये जोलॉजी में काफ़ी जोलॉजिस्ट ने देखा है कि जिन जिन जानदारों का ना मतलब कि बायलैटरल सिमेट्री होती है उनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, मतलब वो एक्टिव रहते हैं, वो सेडेंटरी लाइफ नहीं गुजारते। ठीक है, तो एक तो इनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, ठीक है, और दूसरा ना ये बॉटम मतलब पैंदे में दरिया के समंदर के जो है मूव करेंगे, वहाँ से चीज़ें खोदेंगे। डिवेलिंग का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ खोदना, जैसे माउस होता है ना वो मिट्टी को खोदता है उससे चीज़ें बाहर निकालता है, तो ये भी इसी तरह का फिनोमिना जो है शो करेंगे। एंड ग्लाइड ओवर सबस्ट्रेट, ग्लाइड ओवर सबस्ट्रेट का क्या, ग्लाइडिंग का मतलब होता है करंट से मूव करना, फिर चाहे वो एयर करंट हो या फिर वाटर करंट हो, चूँकि ये पानी में पाए जाते हैं तो ये वाटर करंट से मूव करेंगे यानी कि ग्लाइड करेंगे अपने सबस्ट्रेट के ऊपर और म्यूकस खारिज करेंगे। म्यूकस एक चिपकने वाला मादा होता है जो इन्हें चिपकने में, ये देखें, आया वैडियन में हेल्प करेगा और सिलिका गेन ट्रैक्शन में। सिलिका गेन ट्रैक्शन का क्या मतलब है, मतलब इनकी सिलिया को इनकी बॉडी से अटैच करवाए रखेगा, तो ये म्यूकस जो है खारिज करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले मैंने क्या बताया कि ये ग्लाइड करेंगे सबस्ट्रेट पे, मूवमेंट सिलिया से करेंगे और मस्कुलर अंडुलेशन से, इनकी मसल लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनसे मूव करेंगे और सिलिया से, और ये म्यूकस खारिज करेंगे जो कि किन दो कामों में मदद करेगी, एक तो सिलिया के अटैचमेंट में मदद सिलिया गेन ट्रैक्शन में, और दूसरा म्यूकस किस चीज़ में हेल्प करेगी, एडहियन में इन्हें चिपकने में। और जो डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल, अब इनकी वेंट्रल सर्फेस के ऊपर जो सिलिया होंगे ना, ठीक है, और इनकी जो फ्लैटेंड बॉडी है, इनकी वेंट्रल सरफेस पे मौजूद सिलिया और इनकी फ्लैटेंड बॉडी जो है इनकी बॉडी मूवमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, मतलब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव कर सकते हैं। तो हमने लोकोमोशन में क्या देखा कि बायलैटरल सिमेट्री होने की वजह से जो टर्बुलेरियंस हैं हमारे पास उनका एक्टिव लाइफस्टाइल है और वो सिलिया से मूव करेंगे और मस्कुलर एंडुलेशन से करेंगे या म्यूकस खारिज करेंगे जो कि इन्हें चिपकने में मदद देगी और सिलिया गेन ट्रैक्शन मतलब सिलिया को अपनी जगह पे थामे रखेगी और वो उसी पॉइंट से मूव करके टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे। फिर मैंने बताया कि इनके अंदर सिलिया का होना और इनकी फ्लैटेंड बॉडी का होना जो है किस चीज़ को इफेक्टिव बनाता है, इनकी लोकोमोशन को बेहतर बनाता है, तो ये ग्लाइडिंग करेंगे इसके साथ सबस्ट्रेट पे। और बॉटम डिवेलर है, वाटर के बॉटम में जो है ये डिवेलिंग करेंगे, मूव करेंगे, खोद के चीज़ें निकालेंगे। उसके बाद जो है हम ये देख लेते हैं, ये है अब नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन का फेनोमेना। अब टर्बुलेरियंस के अंदर डाइजेशन जो है कैसे होगी ये जो है हम देखेंगे। अब कुछ समंदर में रहने वाले टर्बुलेरिया जो हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और कुछ के अंदर होगा, और वो कैसे होगा, वो अनब्रांच्ड से हाईली ब्रांच्ड होगा। अनब्रांच्ड का क्या मतलब है, मतलब वो इरेक्ट होगा, उससे साइड से कोई ब्रांचें नहीं निकल रही होंगी, और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी होंगे जो ब्रांच्ड होंगे और कुछ का लोब डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। लोब कैसे होता है, जैसे ये एक ये मार्कर है ना, इसका ये लोब स्ट्रक्चर है। कुछ का लोब डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जो हाईली ब्रांच सिस्टम है वो एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है जो कि ज़्यादा क्लोज है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के, न्यूट्रिएंट डिस्टेंस इसमें कम हो जाएगा डिफिजन। इस बात का क्या मतलब है कि जो हाईली ब्रांच सिस्टम होगा ना उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है क्या होगा, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ कर सकेंगे। जब वो इजीली डिफ्यूज़ कर सकेंगे तो डाइजेशन अच्छे से होगी और वो अब्जॉर्ब भी आसानी से कर सकेंगे, और ये एवोल्यूशन का ही एक गिफ्ट है हाईली ब्रांच सिस्टम टर्बुलेरिया के अंदर, जो कि अब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में हेल्प करेगा। किस फिनोमिना से, डिफ्यूजन के फिनोमिना से। ठीक है, उसके बाद है
कि ये जो है ये चीज़ किस में ज़्यादा देखी गई है, ये लार्जर टर्बुलेरियंस में ज़्यादा देखी गई है, ठीक है, और ये किस चीज़ को कंपनसेट करेगी, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ना होने को कंपनसेट करेगी, मतलब इसके अंदर जो ब्रांचिंग है जो कि अब्सॉर्प्शन कर रही है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की भी जगह ले रही है, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि कुछ मेराइन में डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ही नहीं, कुछ में अनब्रांच्ड होगा, कुछ में ब्रांच्ड होगा, फिर जो ब्रांच्ड वाला हमारे पास है उस वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और डाइजेशन में, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ना होने को भी कंपनसेट करेगा। उसके बाद है टर्बुलेरिया के अंदर जो फेरेंस होती है, ठीक है, उसकी जो ट्यूब होती है जो कि इंजेस्टिव ऑर्गन है जो बाहर निकलता है और चीज़ को अपने अंदर इंजेस्ट करता है, वो किस तरह से होगी, वो सिंपल सिलिएटेड भी हो सकती है और वो कम्प्लेक्स ऑर्गन भी हो सकता है जो कि फोल्डेड होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब फेरेंस टर्बुलेरिया की कैसे होगी, कुछ की सिलिएटेड होगी, उन पर सिलियाँ होंगी और कुछ में फोल्डेड होगी, मुख्तलिफ तहों की शक्ल में होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि इतना ज़्यादा लिखा हुआ है ना कि गुम हो गया, जो फ्री एंड होगा ट्यूब का वो फेरेंजियल शीत में होगा जो कि बाहर आएगी मुंह से फीडिंग के दौरान, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है ना हमारे पास फेरेंक्स, इसका एक जुड़ा हुआ एंड होगा और फ्री एंड होगा, तो ये हमसे क्यों आ सकते हैं कि जो फ्री एंड होगा इसका वो कहाँ मौजूद होगा, तो वो फेरेंजियल शीत में होगा, और फेरेंजियल शीत का क्या काम है कि वो अपने शिकार को निकलने के लिए इंजेक्शन यानी कि फीडिंग के लिए बाहर आती है, ठीक है, फीडिंग के दौरान। अब कुछ टर्बुलेरियंस जो हैं वो अल्जी खाते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्बुलेरियंस जो हैं हमारे पास कॉर्निवोर्स होंगे, यानी कि कॉर्निवोर्स क्या होती हैं, जो जानवर खाते हैं, जो कि इनवर्टेब्रेट्स खाएंगे, वर्टेब्रेट्स तो बड़े बड़े होते हैं उन्हें तो खा ही नहीं सकते, और समंदर में होते ही इनवर्टेब्रेट्स हैं तो ये उन्हें खाएंगे, और कुछ हर्बीवोर्स होंगे जो कि अल्जी या फिर प्लांट लाइक थैलस इस तरह की चीज़ें खाएंगे, और जो सेंसरी सेल्स होंगे जो कि इनकी बॉडी पर लोकेटेड होंगे वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे, इन्हें फूड को डिटेक्ट करने में मदद करेंगे काफ़ी दूर से, और फूड डाइजेशन जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेलुलर होगी और बाकी इंट्रा सेलुलर होगी। अब इसके जो फ्रेंजियल ग्लैंड होंगे ना वो क्या करेंगे, वो बाहर की तरफ इंसाइम रिलीज करेंगे, जो उसे शिकार मिलेगा उस पर वो डालेंगे, फिर क्या होगा कि वो जो चीज़ होगी वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो पीसेस इसके फेरेंक्स में जाएंगे, और फेरेंक्स के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो इन पीसेस को ले लेंगे, ठीक है, और इन पीसेस को लेके फिर डाइजेशन जो है इंट्रा सेलुलरली कम्प्लीट होगी हमारे पास। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनमें इंजेस्टिव ऑर्गन फेरेंक्स होते हैं, फ्री एंड फेरेंक्स का क्या होगा, फेरेंचियल शीत में होगा जो कि किस दौरान बाहर आती है, फीडिंग के दौरान। फिर मैंने बताया कि कुछ टर्बुलेरियंस कार्निवोर्स होंगे, इन टैबलेट्स को खाएंगे, कुछ हर्बीवोर्स होंगे जो कि अल्जी को खाएंगे, और मैंने ये भी बताया कि जो फेरेंक्स होती है वो सिलिएटेड भी हो सकती है या फिर कम्प्लेक्स हो सकती है, मतलब कि तहों फोल्डेड हो, तहों की शक्ल में वो फोल्डेड हो। फिर उसके बाद मैंने बताया कि फूड डाइजेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेलुलर होगी, बाकी इंट्रा सेलुलर होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होगी, फेरेंजियल शीत बाहर एंजाइम रिलीज करेगी जो कि फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेगा, फिर ये पीसेस को अंदर ले लेगा जो कि फेरेंजियल सेल्स में जाएंगे, और वहाँ पर डाइजेशन इंट्रा सेलुलरली कम्प्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज। अब इसमें गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, वो पूरी बॉडी के अंदर और बाहर डिफ्यूजन के फिनोमिना से जो है गैसेस मूव करेंगी, और एक्सक्रीशन यानी कि नाइट्रोजनियस वेस्ट जो रिमूव होते हैं वो भी इसी से होंगे, और जो इसमें ऑस्मोरेगुलेशन के लिए एक ऑर्गन होगा जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है कि जो कि इसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसनट्रेशन को मेनटेन करेगा, और प्रोटोनेफ्रीडिया के क्रिएट होने की वजह से ही जो है टर्बुलेरियंस ने फ्रेश वाटर में जाना स्टार्ट किया, पहले के मेराइन में रहते थे, ठीक है। अब बहुत सी जो मतलब अब इसका हम नर्वस सिस्टम देखें तो कहा जाता है कि सारे जानवरों में जो सबसे प्राइमेटिव सबसे पुराना नर्वस सिस्टम है ना, सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस की शक्ल में, वो टर्बुलेरिया के एसीला वर्म्स यानी कि उसकी स्पीशी कन्वोल्यूटा एसपीपी में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि स्टेटोसिस्ट बना। अब स्टेटोसिस्ट क्या करेगा कि इसका एक इंटीरियर एंड होता है जिसमें गैंग्लियन होते हैं, उसे नर्व कोड निकल रहे होते हैं, और ये टर्बुलेरिया की पोजीशन को किस तरह एडजस्ट करेगा, ग्रेविटी के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि कुछ में जो है सिफलाइजेशन हुई, उसमें मतलब गैंग्लिया बन गया, इस गैंग्लिया को हम क्या कहेंगे, ये इसका प्राइमेटिव पुराना ब्रेन है, और कुछ में जो है नर्व नेट होगा, इस नर्व नेट, अच्छा अब ये जो होगा ना हमारे पास गैंग्लिया और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, अब इन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड को जोड़ने के लिए ना साइडों पे कुछ ब्रांचिंग होगी जिन्हें कोमिश्योर कहेंगे, जो कि इन्हें जोड़ेंगी और लैडर लाइक अपीयरेंस देंगी, सीढ़ी की तरह की, ठीक है। अब इनमें ना कीमोरिसेप्टर होंगे फूड को डिटेक्ट करने के लिए, और इनमें आई स्पॉट होंगे जिन्हें ओसिलाई कहेंगे। अब ये जो ओसिलाई है इनमें ये ब्लैक कलर के एक पिगमेंट से जो कि डिप्रेशन गढ़े की तरह होगा
ठीक है लोकेटेड होंगे। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि कुछ का प्राइमेटिव ब्रेन है, कुछ का नहीं मतलब जो सबसे पुराना नर्वस सिस्टम देखा गया सब अभी टर्मिनल नर्व प्लेक्सस की शक्ल में टर्बुलेरिया में देखा गया, इसके रॉम्स एसुला में और उसकी स्पीशी कन्वोल्यूटा एसपीपी में, और इसके अंदर ड्राई स्पॉट होंगे जिन्हें ओसिलाई कहेंगे, और ओसिलाई के अंदर ब्लैक कलर का पिगमेंट कप लाइट डिप्रेशन मतलब कप की तरह की घड़ी नुमा साफ में मौजूद होगा। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई इसका ब्रेन सिस्टम जो है मॉडिफाई होता गया, उसमें गेंगलिया बनी जैसे प्राइमेटिव ब्रेन कहेंगे, नर्व नेट बना ठीक है, और इन नर्व नेट को कोमिश्योर्स जोड़ रही होंगी जो कि लेटरल ब्रांचेस हैं, और इसमें स्टेटोसिस्ट होगा एक इंटीरियर एंड गेंगलिया की तरह का होगा स्ट्रक्चर इसमें जो कि इसकी बॉडी पोजिशन को एडजस्ट करेगा ग्रेविटी के लिहाज से। अब इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ट्रांसवर्स फिशन से होगी, ट्रांसवर्स फिशन मतलब इसकी बॉडी जो है कई फ्रेगमेंट्स में टूटेगी जिससे नए जानदार बनेंगे, तो जो नए बन रहे हैं उन्हें हम फिर जाइड्स कहेंगे। और दूसरा ये मोनो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसके पेरेंट काइमा से अराइज होंगे पहली बात, और दूसरी बात ये मोनो इशियस होंगे मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही उसमें होंगे। अच्छा अब इनमें ना पेयर होगा टेस्टिस का, वहाँ पे स्पर्म्स पैदा होंगे, स्पर्म्स पे जाएंगे स्पर्म डक्ट में, फिर सेमिनल वेसिकल में, फिर पेनिस में, फिर जो है ये ओपन हो जाएंगे जेनिटल पोर में फीमेल के। अच्छा अब फीमेल का देखें तो पहले ओवरीज होंगी फिर ओविडक्ट होंगी, वहाँ से एग नहीं जाएगा बल्कि एग ओवरीज में ही रहेगा ठीक है, ओविडक्ट ओपन होंगी जेनिटल चैम्बर में और फिर वो ओपन होगा जेनिटल पोर में। अब पेनिस से स्पर्म्स इंटर होंगे जेनिटल पोर में, फिर जेनिटल चैम्बर में, फिर ओविडक्ट में, और फिर वो ओवरीज में जाएंगे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। और अगर जो मोनो इशूज होती हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस होगी मतलब दो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान होगी, मोनोविशेस का मतलब तो वैसे ये है ना कि मेल फीमेल एक में, लेकिन इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी दो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान होगी जिससे इसमें ग्रेट वैरायटी जो है आ जाएगी। अच्छा अब जब मतलब हमारे पास बन जाएगा जायगोट तो कुछ की गिर जो है एक ना वाल सेक्रेट होगी और फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कोकोन कहेंगे। अब एग जो है पास होगा वाइटिलेरिया से जो कि यॉक ग्लैंड होता है, और इसके गिर जो है वो जेल लाइक मैस बनेगा और इसे कोकोन कहेंगे। जो फ्री स्विमिंग स्टेज होती है टर्बुलेरिया की जायगोट बनने के बाद उसे मुलर लार्वा कहेंगे। जो मुलर लार्वा है वो क्या करेगा, वो सेटल होगा किसी सबस्ट्रेट पर और यंग अडल्ट में बदल जाएगा, और उसके बाद उसके रिलीजर ग्लैंड फिर केमिकल खारिज करेंगे जो इसे वहाँ से हटा देंगे और ये फ्रीली मूव करने लगेगा, और इसमें सिलियाँ भी क्रिएट होंगे इस दौरान फीडिंग के लिए और लोकोमोशन के लिए। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि ये जो है मोनोइशियस हैं, और अगर ये मोनोइशियस है लेकिन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है होगी। और स्पर्म्स का क्या रास्ता मैंने बताया कि पहले पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर स्पर्म डक्ट, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर पेनिस, फिर वो ओपन होगी जेनिटल पोर में फीमेल के, और फीमेल को क्या बताया ओवरीज ओविडक्ट जेनिटल चैम्बर जेनिटल पोर ठीक है, और एग पास होंगे वाइटिलेरिया ग्लैंड से जो इनकी गिर्द एक वाल बनाएगा और फिर इसे जो है हम कोकोन कहेंगे, इसके गिर्द सिलिया बनेगा, और जो फ्री स्विमिंग लार्वा होगा उसे मुलर लार्वा कहेंगे जो कि किसी जगह पर फिर अटैच होगा और अडल्ट में बदल जाएगा। तो ये सारा जो है हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिरोमेट बॉडी प्लान देखा, उसमें सबसे पहले जो है हमने देखा कि ये एसिरोमेट किसे कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं, फिर हमने इसकी तीन फाइलम स्टडी किए, अब फिर डिटेल में प्लेटी हेलमेंथिस देखा, निमर्शिया, गैस्ट्रोटिका, तो डिटेल में जो है हमने इसमें देखा है, इसमें जो है हमने डिटेल में सबसे ज़्यादा देखा वो हमने प्लेटी हेलमेंथीस देखा, और प्लेटी हेलमेंथीस की फिर हमने चार क्लासेस पढ़ी, मोनोरिना, ट्रिमाटोडा, कैस्टाइडी और टर्बुलेरिया। तो इसके अंदर हमने किस क्लास को ज़्यादा स्टडी किया, टर्बुलेरिया को, पहले उसकी बॉडी वाल देखी, फिर लोकोमोशन देखी, फिर डाइजेशन और न्यूट्रिशन देखी, फिर गैसेस एक्सचेंज देखी, फिर प्रोटोनेफ्रिडिया और नेफ्रिडियोपोर के स्ट्रक्चर। अच्छा प्रोटोनेफ्रिडिया के सारे सुराख मिलकर ना एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे नेफ्रिडियोपोर कहेंगे ठीक है। फिर हमने ये देखा, फिर हमने इसमें रिप्रोडक्शन देखी, तो ये सारा जो है हमारे पास था।